मैं सुबह मैं आंगनवाड़ी एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। इस वक्त हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़बरदस्ती कोविड ड्यूटी के लिए निकाला जा रहा है, जबकि कोविड ड्यूटी बहुत कठिन है। इससे पहले हमने एक साल पूरा कोविड ड्यूटी दी है, घर घर जाके हमने पूछा है लोगों से। इस वक्त हमें ये कह रहे हैं कि उनको आप वैक्सीन सीखो सिर्फ दो दिन में करने के लिए, अगर किसी खुदा ना खास किसी को कुछ हो गया तो वो फिर हमारे जिम्मा होगा। हम चाहते हैं कि हम कोई भी ड्यूटी ना दे और हमें ये ट्रेनिंग शैनिंग करने के लिए मजबूर ना करे। और इसका पैसा जो हमने इससे पहले 2020 का हमने ट्रेनिंग जो सर्वे की है उसका ड्यूटी दिया है, तो हम चाहते हैं उसका पैसा पहले वह गुजार करे और हमारी तनख्वाह जो 2019 से पेंडिंग है वो जल्द अज जल्द वह गुजार करे। क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग घर में बैठे हैं, पता नहीं आंगनवाड़ी वर्करों के साथ साथ के साथ इनको कौन सा वो ये सौतेली माँ का सुलू कर रहे हैं कि इनको घरों से निकाला जा रहा है कि आप ये ड्यूटी दे दो। ये पिछले महीने दो लड़कियाँ मर गई है सिर्फ कोविड ड्यूटी दे वो बिचारी देने के लिए गई है, उनको वहाँ पे कोविड लग गया है, वो मर गई है। जब उनको किसी ने पूछा नहीं तो हज़ारों लड़कियों को कौन पूछेगा। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हम ना ये ड्यूटी देंगे ना ट्रेनिंग करेंगे। तमाम लड़कियों से मैं अपील करती हूँ आपकी वसादत से कि ये कोविड ड्यूटी के लिए मना कर देंगे।